हमारे साथ मनीष बने हुए। मनीष, रूस की तरफ से और आज पुतिन ने जहां एक तरफ ये कहा कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, अगर आप हम पर जो रेड लाइंस हमने ड्रॉ किए उन्हें अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर पुतिन क्या कर सकते हैं, रूस क्या कर सकता है, ये बताने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, विक्ट्री डे परेड में बोल रहे थे, पांचवीं बार राष्ट्रपति बने एक बार फिर, तो अपने होम ऑडियंस को, रूस के लोगों को एड्रेस करने की कोशिश होगी और वो इसी अस्मिता को बार बार जगाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि ये हालात ना बने, बनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं वो दिखा दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह तीसरा विक्ट्री डे परेड था। पिछले दो विक्ट्री डे परेड पर साल 2022 में, 2023 में मैं खुद वहां रेड स्क्वायर पर मौजूद था। विक्ट्री डे परेड रूस में जो उस समय के मौजूदा हालात हैं उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। 2022 में युद्ध शुरू होने के ढाई महीने बाद पुतिन को जस्टिफाई करना पड़ रहा था कि हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। 2023 में टैंकों की कमी होती थी, उस समय कोई उत्साह नहीं था, बहुत लोगों में निराशा थी। लेकिन इस बार के विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने अपना दमखम दिखाया। पुतिन ने जहां पूरी दुनिया को यह संदेश, केवल होम ऑडियंस को नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की कि देखिए रूस के सामने चुनौती क्या है, रूस के लिए खतरा क्या है, और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि वैश्विक संघर्ष ना हो, हम पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन इसके बाद भी रूस पर हम आंच नहीं आने देंगे। वहीं आप ये देखिए कि आज के विक्ट्री डे परेड में जो लोग अभी जंग में हैं उनमें से 1000 सैनिकों को इस विक्ट्री डे परेड में लाया गया था। इसके अलावा जिन लोगों को मेडल मिले हुए हैं इस युद्ध के दौरान, उन सबको वहां पर लाया गया था। तो वो अपनी पब्लिक को यह बताना चाह रहे थे कि बीते तीसरे साल में अब रूस काफी आश्वस्त है, मजबूत है, और अब आगे बढ़कर सभी तरह की चुनौतियों का सामना है। रूस उन तमाम सैनिकों को लेकर आ रहा है युद्ध के मैदान से, लेकिन यहाँ विक्ट्री डे परेड जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन द्वारा हमले भी चल रहे थे। रूसी सेना पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया, हमले में तबाह हुआ रशियन टैंक। वो टैंक जिनकी ताकत दिखा रहे थे विक्ट्री डे परेड में पुतिन, उस तरह के टैंक को तबाह किया यूक्रेन ने। रूसी टैंक पर पिन पॉइंट अटैक किया गया, ड्रोन अटैक में पूरी तरह जल गया रशियन टैंक। इसके अलावा सिर्फ यही हमला नहीं हुआ, लगातार हमले किए गए हैं। विक्ट्री डे परेड का रंग फीका करने की कोशिश की गई यूक्रेन द्वारा, पुतिन के टैंक को किस तरह से तबाह किया ड्रोन हमले में, देखिए तस्वीरें। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, रूस के क्रासनोदर में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर, ऑयल डिपो पर विध्वंसक ड्रोन अटैक किया गया। यूरोप का ऑयल डिपो में लगी भीषण आग इस हमले की वजह से। ड्रोन हमले में कई ऑयल टैंक तबाह हो गए। रूस ने 6 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। रूस ने 6 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन जिस ड्रोन से यह हमला किया गया उसके जरिए ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया, आग लगती दिखाई दी गई। ये क्रासनोदर की तस्वीरें हैं। तो एक तरफ टैंक को तबाह कर दिया गया तो दूसरी तरफ क्रासनोदर में ऑयल डिपो को ही नष्ट कर दिया गया ड्रोन हमले में। हालांकि रूस ने दावा किया कि हमने 6 ड्रोन मार गिराए हैं। सिर्फ इन दो जगहों पर नहीं, रूस के कुसर्क इलाके में भी विनाशकारी हमला किया गया। डब्रोविंस्की में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका जाहिर की गई। रूसी एयर डिफेंस ने 3 ड्रोन यहां भी मार गिराए। आग बुझाने में लगे 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स। देखिए ये तस्वीरें डब्रोविंस्की की, यहां पर भी हमला किया गया, यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन के 3 ड्रोन मार गिराए रूस ने, 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश की। ये 3 तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के भीतर, यूक्रेन के अलग अलग, रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन ने हमले किए हैं। रूसी टैंक पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया। ड्रोन हमले में कई ऑयल टैंक तबाह हुए हैं, एक और हमला, और रूस के कुसर्क इलाके में भी विनाशकारी हमला किया गया। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। बेलगोरेद में भी यूक्रेन ने प्रचंड हमला किया है। देखिए यूक्रेन में भी, बेलगोरेद में भी हमला किया गया। रशियन विक्ट्री डे पर किया ये विध्वंसक हमला, कई इंफ्रास्ट्रक्चर इमारतों को टारगेट किया गया। चेक मेड RM-70 वेम्पायर MLRS से यह हमला किया यूक्रेन ने। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को भी तबाह किया। तो देखिए रूस में विक्ट्री डे तो यूक्रेन का भी ताबड़तोड़ अटैक। दूसरी तरफ, एक तरफ रूस में विक्ट्री डे परेड मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में एक साथ हमला किया। बेलगोरोद, कुसर्क, क्रासनोदर, ब्रियांस्क में यूक्रेन का प्रचंड हमला देखने को मिला। ड्रोन और चेक मेड RM-70 वेम्पायर MLRS से अटैक किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपो, कई इमारतों को टारगेट किया गया। बक M3 मिसाइल सिस्टम, BM-21 ग्रैड MLRS से भी तबाह किया गया
अलग अलग इमारतों को, क्रास्नोदर में 6, कुसर्क में 3, ब्रियांस में 2 और बेलगोरोद में 1 ड्रोन को तबाह किया रूस ने। जो लगातार रूस के अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए उसमें रूस ने भी जो ड्रोन थे उन्हें तबाह किया, लेकिन हमले करने में सक्षम रहा, कामयाब रहा यूक्रेन। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के रूस पर हमले की टाइमिंग देखिए। रूस पर खास दिन पर यह हमला किया यूक्रेन ने और ऐसा ही यूक्रेन करता रहा है। रूस पर खास दिन पर ही हमला करता है यूक्रेन। विजय दिवस पर रूस के अंदर विध्वंसक हमला हुआ है। पुतिन के शपथ ग्रहण के दिन भी क्रीमिया पर हमला किया था। राष्ट्रपति चुनाव के दिन भी रूसी एनर्जी सेक्टर पर अटैक किया गया था। तो वो खास दिन तब जबकि पुतिन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, उस दिन खास तौर पर यूक्रेन की स्ट्रैटेजी है कि वो अटैक करते हैं। कैसे देखिए, रूस में विजय दिवस हो रहा था, विक्ट्री डे परेड मनाई जा रही थी, तो कैसे बेलगोरोद, कुसर, क्रास्नोदर और ब्रियांस्क में हमले किए जा रहे थे। टाइमिंग चुनी गई थी, पुतिन का जब शपथ ग्रहण था तो यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया था। इसके अलावा रूस में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, चुने जा रहे थे पुतिन 5वीं बार, तब रूस के एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन ने हमला किया था। तो खास तौर पर वो खास दिन जो अहमियत रखते हैं पुतिन के लिए, उस दिन खास तौर पर हमला करता है। हमारे साथ राजन जी बने हुए हैं। राजन जी, बहुत बड़े हमले यूक्रेन, रूस जितने बड़े अब हमले ना भी कर पाए, तो वो खास दिन पर जब हमला करता है तो एक अलग तरह की मैसेजिंग है कि देखिए अगर आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हैं। देखिए, यूक्रेन की जो क्षमता है अभी उसमें काफ़ी, अभी जो जब से उनको $61 बिलियन मिले अमेरिका से और एटकम्स मिले हैं, और जिस ढंग का स्टेटमेंट मैक्रों का आया है कि वो नेटो फोर्सेस को, नेटो फ्रेंच फोर्सेस को भेजा जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो इससे जो उनका मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा है। और आप जानते हैं कि विक्ट्री डे वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डे माना जाता है रूस में, रूस के स्टेट के लिए, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने हिटलर को हराया था और रूस के बिना ये जीत नहीं हो पाती, हिटलर को हराना असंभव था। और वहाँ का जो राष्ट्रवाद है पूरी तरह से विक्ट्री डे पे, जैसे हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को बोलते हैं उसी टाइम से रूस उससे रिलेट करता है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह अलग बात है कि यूक्रेन भी उस जब विक्ट्री डे की बात हो रही थी 1945 में, तो यूक्रेन भी रूस के ही साथ था, यानी कि सोवियत यूनियन के साथ था। कुछ यूक्रेनी जरूर थे जो कि हिटलर को सपोर्ट करते थे, लेकिन ज़्यादातर यूक्रेनी जनता सोवियत यूनियन के साथ थी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है रूस के लिए और यूक्रेन इस चीज़ को जानता है कि पुतिन के लिए आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन दिखाने की कोशिश करेंगे पश्चिमी देशों को खासकर कि उनको हराना नामुमकिन है। तो वैसे में अगर ये हमला करके कुछ इंपॉर्टेंट जो जो जगह है वहां पे अगर हमला कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो एक तरह से पश्चिम देशों को संकेत देने की कोशिश है कि यूक्रेन में क्षमता बरकरार है और यूक्रेन अपनी वो क्षमता दिखाना चाहता है, उसे वो ताकत नेटो और पश्चिम के देशों से, अमेरिका से मिल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।